व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनवायर्ड। और आज की दौड़ है पबजी मोबाइल के बेस्ट कंट्रोलर ढूंढने की। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर पड़े हैं ढेर सारे कंट्रोलर्स और मुझे ये जानना है कि पबजी मोबाइल खेलने के लिए कौन सा है इनमें से बेस्ट। इन सब की बात हम बाद में करेंगे, बट पहले एक नज़र डालते हैं पबजी ट्रिगर्स पर, जो आजकल का बहुत ही हाइप ट्रेंड है। और मैंने फ्लिपकार्ट से एक पबजी ट्रिगर्स मंगाए हैं जिनकी कॉस्ट मुझे अराउंड 700 रुपीज़ पड़ी है। अगर वीडियो के एंड तक आपको भी ये पसंद आते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हैं। आई नो मार्केट में 200-300 से लेकर भी ऑप्शन शुरू हैं, बट इसके साथ एक डेडिकेटेड जॉयस्टिक और डेडिकेटेड कंट्रोलर दोनों चीज़ें मिली हैं मुझे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड लेट्स जंप राइट इनटू इट। लेट्स स्टार्ट। अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल नाइफ है और वो है एक बर्थडे नाइफ। जी हाँ फ्रेंड्स, आई नो मेरी स्टाइल थोड़ी सी हटके है, बट आई कांट हेल्प इट यार, मैं जो है वो एकदम मेन स्ट्रीम तरीके से चीज़ें नहीं कर पाता अक्सर, तो कोई बात नहीं, खैर इससे भी इजी हो जाएगा आई नो। और वैसे भी मैं एडवाइस करता हूँ कि कभी भी आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवाओ तो उसको अनबॉक्स जो है आप वीडियो पर ही करो, सो दैट अगर वो डैमेज पीस निकलता है तो रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें कुछ एड्रेस वगैरह होगा, पेमेंट डिटेल्स साइड में रखते हैं। अब नज़र डालते हैं इस बॉक्स पे। ओके, अच्छे से टेप्ड है बट यहाँ से डेंटेड है, पता नहीं क्यों। आई होप अंदर जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव या फिर डैमेज ना हो गया उसकी वजह से। करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं किस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं इस बटर नाइफ की हेल्प से। और ये एक चैलेंज है, जो भी फेलो यूट्यूबर्स ये देख रहे हैं, खासकर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि बटर नाइफ से अनबॉक्सिंग करो। बहुत सारे चैलेंजेस वैसे भी वायरल हो ही रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो क्यों ना हम भी कर दें। ओके, सो इसके अंदर अच्छे से पैक्ड हमें दिख रहा है बॉक्स। कूल, ये क्या मिला है, रिव्यू एंड विन। ओके, कोई गिफ्ट वाउचर है, यस वी डोंट नीड दिस। ओके, सो आप देख सकते हैं ये बॉक्स हमारे पास सामने आ गया है। पोर्टेबल गेम पैड आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का दिखेगा ये खोलने पर। एक तो साथ में इसके हैंड हेल्ड चीज़ें मिलेंगी और जॉयस्टिक भी है। ऊपर से इसके जो है वो LTRT कीज या फिर R1L1 कीज जो यूज़ होती हैं कंट्रोलर्स में, जैसे कि इन कंट्रोलर्स में है, वैसे मिल जाएंगी। बाय द वे, ये स्पेसिफिकली iPhone SE और 5S के लिए कंट्रोलर है Logitech की तरफ से। और ये MCAT का EVO गेम पैड है जो कि किसी भी फ़ोन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग भी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं इसकी तरफ। और बक्से के ऊपर कोई भी टेपिंग नहीं दिख रही मुझे, सो ग्लैडली वी डोंट नीड दिस एनी मोर एंड लेट्स टेक इट आउट। ओके, सो एक मिनट, मेन प्रोडक्ट साइड में रखते हैं, देखते हैं साथ में क्या क्या मिला है। ठीक है, ये आई गेस यूज़र मैनुअल होने वाला है, स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप कैसे करके इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से। साथ में ये ट्रिगर्स जो आप सेपरेटली भी बाय कर सकते हो अगर आप लोगों को इसकी नीड नहीं लगती है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और साथ में मिली है हमें जॉयस्टिक, इसको फटाफट से सेटअप करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं एक बारी गेम प्ले करके पबजी का। सो गाइस, एज यू कैन सी, दोनों ही लैब रैट्स बिल्कुल तैयार हैं, दोनों में पबजी इंस्टॉल कर दी है। दो सैमसंग के डिवाइसेस हैं, बाकी ये डिवाइसेस भी हैं साइज चेक करने के लिए। डोंट वरी यार, जियो फोन में पबजी नहीं चलती है। सो उससे पहले आप एक बार इस प्रोडक्ट का ओवरव्यू देख लो। सबसे पहले तो एक फ्लेमिंगो की ब्रांडिंग दिख जाएगी, आई डोंट नो क्यों, इनका शायद फ्लेमिंगो ही ब्रांड लोगो होगा। और पीछे से अगर आप देखें तो ये एक एडजस्टेबल चीज़ है, जिससे कि किसी भी साइज़ का फ़ोन इसमें इजीली डल जाएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। उसके बाद आप पीछे देखेंगे ध्यान से तो एक ये स्टैंड बनाने के लिए भी एक ये दिए गए है चीज़। और अगर आप इसको ऐसे करके अटकाओगे इसके अंदर, सो आप रख के भी इसको खेल सकते हो अगर आपको वैसे सूट करता है तो। वैसे तो कंट्रोलर को रख के खेलने का कोई मतलब नहीं मिलता, बट दिस इज़ अ ऑप्शन, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर एक ये चैनल सा है, यहाँ पर ये हम लगाएंगे जो इसकी जॉयस्टिक दी गई है। सो इसको एक बारी साइड में रखते हैं, साथ में देख लेते हैं। ये हैं इसके ट्रिगर्स जो आप सेपरेटली भी खरीद सकते हो, सिर्फ ट्रिगर्स 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है। और आई गेस ये वही क्वालिटी है क्योंकि प्लास्टिक के हैं, ये मेटल के भी मिलते हैं और वो आराम से 300-400 रेंज के होते हैं, बट ये मुझे कम रेंज वाला ही लग रहा है। बट कोई बात नहीं, हम टेस्ट करते हैं। ये टाइट करने के लिए है, डिवाइस जो भी आप डालोगे उसको टाइट करने के लिए है ये, अच्छे से ताकि हिले ना अपनी जगह से, और हिल जाए तो फिर इनका फ़ायदा ही क्या। ठीक है, और आप सुन सकते हैं क्लिकिंग नॉइज आ रही है इसमें से। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। साथ में हमें मिलती है ये जॉयस्टिक, दो मिल रही हैं,
पहले मुझे लगा था कि दो इसलिए हैं सो दैट एक इस साइड पे एक इस साइड पर, ऐसा है नहीं क्योंकि यहाँ पर जॉयस्टिक अटकाने का ऑप्शन है नहीं। और आप देख सकते हैं ये भी थोड़ी सी फ्लिमजी सी क्वालिटी लग रही है मुझे, बहुत अच्छी तो नहीं लग रही, बट लेट्स सी, टेस्ट करके पता चलेगा कि क्या इससे कोई फ़ायदा होता है या फिर नहीं। सो सबसे पहले कंपैरिजन हो जाए फ़ोन साइजेस को लेके, तो सबसे पहले मेरे पास एक ये बहुत ही पुराने ज़माने से सैमसंग का फ़ोन है जो इसके अंदर फिट भी नहीं आ रहा ये तो यार जोक ही हो गया एक तरह से, बट जियो फ़ोन आप देख सकते हैं इसका साइज़ इसके लिए आइडियल है। आई विश जियो फ़ोन में भी पबजी हम इंस्टॉल कर सकते और खेल सकते, बट जोक्स अपार्ट। उसके बाद मेरे पास एक आईफोन 3GS है, ये कंपैरिजन हो जाएगा आईफोन 4S के साइज़ का, और यू कैन सी इसमें भी ये अटक नहीं रहा है अच्छे से, तो इसको भी साइड रखते हैं। फिर उसके बाद है आईफोन 5S, एक्सक्यूज़ मी फॉर द स्क्रीन, और ये ट्रांसपेरेंट करवा रखा है मैंने आगे से। इफ़ यू वॉन्ट टू नो द स्टोरीज के बारे में तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट कैसे करना है आगे से, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं ये लूज़ ही है, मैं नहीं मानूंगा कि ये कंफर्टेबल साइज़ है इसका, तो हम कह सकते हैं कि बड़े फ़ोन्स के लिए ही है ये। अब इसके बाद है हमारे पास एक आईफोन 6, तो आप देख सकते हैं आईफोन 6 के लिए आई गेस ये चीज़ बिल्कुल आइडियल है, थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो गई है आप देख सकते हो, ये गैप आ गया और ये घुस जाता है आईफोन, बटन्स भी इससे प्रेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा सकते हो फिर जॉयस्टिक्स को, और ये आई गेस ठीक है, एक रिमोट की तरह ही लग रहा है ये, ठीक है। अब हमारे पास है एक J7 2016 मॉडल वाला, एंड आई गेस ये एक परफेक्ट एग्जांपल होगा क्योंकि इतने साइज़ के फ़ोन्स के लिए ही ये जो है एक तरह से डेडिकेटेड है ये चीज़। और आप देख सकते हैं कोई भी बटन्स नहीं प्रेस हो रहे हैं, हमें ये बटन प्रेस करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, साथ ही साथ ये ग्रूव भी मिल जाता है हमें अगर हेडफोन्स लगाने हो या साथ साथ फ़ोन को चार्ज करना हो तो, ऊपर से भी खाली जगह है सो दैट आप फ़ोन को अगर फ्लिप करके लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, पावर बटन भी एकदम इंटैक्ट है, और यहाँ पर अगर ट्रिगर्स लगाएंगे तो आप देख सकते हो कितना प्रिसीजन आ जाएगा, और बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है खासकर इस वजह से क्योंकि ये पकड़ने के लिए हमें जो हैंडल्स मिल गए हैं, ठीक है। अब एक फ़ोन टेस्ट करते हैं जो कि है S7 एज, और ये इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो इस पर मैंने केस चढ़ा रखा है सो दैट केस के साथ आप यूज़ कर सकते हो या नहीं पता चल जाएगा, साथ ही साथ ही कर्व्ड एजेस वाला फ़ोन है, जिनके पास भी ऐसा कोई फ़ोन है जो कर्व्ड एजेस है उनको पता चल जाएगा कि क्या उस पर लग सकता है, और बिल्कुल एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के, कर्व्ड एजेस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ केस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ फिट हो जाती है, बहुत ही कूल लग रहा है ऐसे पकड़ के, मुझे अभी से ही समझ आ रहा है कि कितना सही गेम प्ले हो जाएगा इससे। सो अब गेम प्ले करके देखते हैं, और पहले मैं दिखाता हूँ बिना इसके गेम प्ले कैसा होता है कि क्या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर नहीं, उसके बाद हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे एंड देन देखेंगे। सो सबसे पहले आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा बिना ट्रिगर्स के और बिना जॉयस्टिक के, एंड यू विल गेट अ रफ आइडिया कि कैसा लगता है अगर आप बिना जॉयस्टिक्स और बिना ट्रिगर्स के खेलो सिर्फ टच कंट्रोल्स की हेल्प से। सो एज यू कैन सी यहाँ पर स्क्रीन पे एक जॉयस्टिक बनी हुई है जिसको आप मूव करते हो लेफ्ट राइट करने के लिए, एंड पैन एंड जूम करने के लिए आपको इस वाले थंब का यूज़ करना पड़ता है, स्क्रीन पे पूरा रोटेट करना पड़ता है। सो आई थिंक हमें राइट हैंड साइड का थंब तो यूज़ करना ही पड़ेगा जॉयस्टिक में भी क्योंकि जॉयस्टिक सिर्फ इधर ही है। सो पैराशूट खुल चुका है, नाउ लेट्स ट्राई टू लैंड क्विकली, और आई विश कोई फटाफट से लूट मिल जाए सो दैट मैं डेमोंस्ट्रेट कर सकूं जल्दी से कि कैसे लगता है बिना ट्रिगर्स के खेलना और क्या ट्रिगर्स लगाने से कोई फ़ायदा होगा हमें या फिर नहीं। लेट्स गो इन द हाउस, ऑटो ओपन डोर्स, ठीक है, ओके, फाइनली हमें एक गन मिल चुकी है, नाउ लेट्स ट्राई टू एम, ओके, ऐसे एम होता है और ऐसे शूटिंग होगी, ठीक है। सो गाइस एज यू कैन सी हैंडल्स तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू एडजस्ट द जॉयस्टिक, और आप देख सकते हैं जो ग्रूव सा बना हुआ है यहाँ पर हमको हल्का सा पुश करना पड़ेगा, और अब हमें सेट करने हैं ये ट्रिगर्स, पर उससे पहले इन ट्रिगर्स को यूज़ करने के लिए जो हमें बटन चाहिए वो इनकी प्लेस पर हम ले आते हैं। तो लेफ्ट में चाहिए हमें अपना एम जो कि ये रहा, आप इसको बस होल्ड करो और ड्रैग करके इधर ले आओ, ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए फायर जो कि ये रहा, और फायर को पकड़ो और ड्रैग करके इधर ले आओ। अब वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो सर्कल वाली चीज़ है ये इस जगह पर आनी चाहिए, और हम इसको पुश करते हैं अंदर, ओके, एंड हियर इट गोज, ओके, अब मेरे ख्याल से ठीक है बिल्कुल, ये जॉयस्टिक को करते हैं नीचे पुश, और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कितना सही इफ़ेक्ट हो रहा है, बिल्कुल जैसे कि मैं कर रहा हूँ, कोई लेटेंसी नहीं है,
क्योंकि फिजिकल कंट्रोल्स ही हैं तो लेटेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप देख सकते हैं कि कंट्रोल्स हम सेट कर चुके हैं। अब चलते हैं मैच के अंदर और लड़ियां लगाते हैं किल्स की। ओके फाइनली एक रिवॉल्वर हमारे पास आ चुकी है। ओके आप देख सकते हैं लेफ्ट ट्रिगर दबाते ही एम तो कर दिया है एंड राइट से शूटिंग भी अच्छी खासी हो रही है। सो गाइस एज यू कैन सी अगर हम इसको होल्ड करके रखते हैं तो कंटिन्यूस फायरिंग भी हो रही है। और ये मेरे को डाउट था कि अगर होल्ड करके रखते हैं तो कंटिन्यूस फायरिंग होगी या नहीं, बट जिन गन्स में फीचर है कंटिन्यूस फायरिंग का होल्ड करने पे फायर बटन को, उसमें ये भी सपोर्टेड है। और जॉयस्टिक की क्वालिटी भी थोड़ी सी मुझे फ्लिमजी सी लगी। कभी अगर आपको भगाना है स्प्रिंट करना है बंदे को तो आपको टच स्क्रीन ही यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए ऑल द वे अप तक स्क्रॉल करना पड़ता है आपको स्क्रीन पे, बट वो चीज़ नहीं हो पाएगी इसके अंदर। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइस ये था एक छोटा सा रिव्यू इस प्रोडक्ट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और बहुत ज़्यादा गोलियाँ चला दी हैं मैंने। अगली वीडियो में मिलता हूँ। एडियोस।